बहराइच में हुई हिंसा का सच क्या है? नमस्कार, मैं आपके साथ आस्था कौशिक। अखिलेश यादव का कहना है कि शासन की चूक की वजह से ये पूरी घटना हुई है और जिस रूट पर जुलूस निकाला जा रहा था वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे ही नहीं। लाउड स्पीकर पर क्या चलाया जा रहा था इसका ध्यान नहीं रखा गया। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बहराइच की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सबके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दोषी बताया। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है तब से कट्टरपंथियों के मन बढ़ गए हैं। तो आखिर ये हिंदुओं के त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं की निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इस कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनबल हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी भी। और सवाल यह है कि आखिर बहराइच हिंसा का जिम्मेदार कौन है, कौन यूपी में माहौल बिगाड़ना चाहता है? इन तीखे सवालों पर देखिए सबसे बड़ी बहस मेरे साथ शाम 7:55 पर।